नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर हूं। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। हमने अलग अलग डेफिनेशंस देखी और हमने ये देखा कि सिक्योरिटी मॉडल्स को डिस्कस करते हुए कौन से मॉडल्स का यूज़ किया जाता है, कौन से इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए कौन से मॉडल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि CIA ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी ट्रायड और द पार्केरियन हेक्साट, जिसमें 3 की जगह 6 डिफरेंट टर्म्स हैं। आज हम देखेंगे कि कितने टाइप के अटैक्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन में अटैक्स के टाइप्स क्या होते हैं, और हम ये समझेंगे कि डिफेंस इन डेप्थ जो टर्मिनोलॉजी है वो कैसे यूज़ की जाती है और कैसे वो लेयर्ड अप्रोच कहलाती है। अटैक्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ अटैक्स, 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला है इंटरसेप्शन, दूसरा इंटरप्शन, तीसरा मॉडिफिकेशन एंड चौथा फैब्रिकेशन। तो ये जो चारों अटैक्स हैं ये कुल मिलाकर CIA ट्रायड में एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज होती है तो ज़रूर नहीं कि सिर्फ इंटरसेप्शन हुआ है या इंटरप्शन हुआ है या मॉडिफिकेशन या फैब्रिकेशन हुआ है। ये चारों में से कुछ भाग कॉन्फिडेंशियलिटी लूज होने में एप्लीकेबल हो सकता है, वो हम देखेंगे। तो सपोज इंटरसेप्शन हुआ, तो इंटरसेप्शन समझते हैं कि अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपने यहाँ से ईमेल भेजा कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी के लिए, एक बीच में कंप्यूटर सी ने उसको पढ़ लिया, तो वो उसका अनऑथराइज एक्सेस हुआ, बिकॉज वो ऑथराइज नहीं था, आपने कंप्यूटर बी के लिए भेजा था। तो ये अटैक जो है ये जनरली कॉन्फिडेंशियलिटी को अटैक करता है। जब ये इंटरसेप्शन होता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी लूज़ हो जाती है, क्योंकि जो ईमेल आपने कंप्यूटर बी के लिए भेजा था वो आप कंप्यूटर सी को भी पता है। इंटरसेप्शन ज़रूरी नहीं कि इन ट्रांजिट डेटा पे हो, ये स्टोर्ड डेटा पर भी हो सकता है। आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं और आपके डिपार्टमेंट में 10 यूज़र और हैं, 10 में से 7 किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज हैं, 3 नहीं हैं, तो जो बाकी 3 में से कोई भी किसी दिन अगर उसको एक्सेस करता है तो वो स्टोर्ड डेटा पे इंटरसेप्शन हो गया। इसकी एक खासियत है कि अगर ये इंटरसेप्शन का अटैक अच्छी तरह से किया जाए तो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे अटैक पर आते हैं इंटरप्शन। इंटरप्शन वर्ड से ही समझ जाइए कि ये एक अटैक है अवेलेबिलिटी पे। आपको कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और उसको इंटरप्ट कर दिया गया, आपके नेटवर्क को इंटरप्ट कर दिया गया, आपकी ईमेल सर्विस को इंटरप्ट कर दिया गया, तो वो अवेलेबिलिटी उसकी कम हो गई। बट अगर इसी इंटरप्शन को किसी डेटाबेस पे लगाया जाए और डेटाबेस से फैच करने के तरीकों को बदला जाए तो आपको लगता है कि ये इंटेग्रिटी को भी अटैक करेगा। जिस तरह से डेटाबेस में डेटा फैच होता था पहले और अब हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को इंटरप्ट किया और उस तरीके को बदला, तो डेटा तो अभी भी फैच हो रहा है लेकिन वैसे नहीं जैसे पहले होता था, तो इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा फैच्ड इज़ ऑल्सो अटैक्ड। तीसरा जो टाइप का अटैक है वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन से आप समझते हैं कि आपने ट्रांजिट डेटा या स्टोर डेटा को मॉडिफाई कर दिया, तो ये अटैक भी प्राइमरीली इंटेग्रिटी को अटैक करता है। बट ये तब इंटेग्रिटी को अटैक करता है जब वो डॉक्यूमेंट हो। सपोज करें कि किसी वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमने अटैक कर दिया, हमने उसे मॉडिफाई कर दिया, तो हो सकता है कि वेब सर्वर अब अवेलेबल ही ना हो, लोग उसको एक्सेस ही ना कर पाएं। तो इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी दोनों को इस टाइप के अटैक में टारगेट किया जाता है। चौथा जो अटैक है उसका नाम है फैब्रिकेशन। मतलब आपके पास ना तो सेंडर का डेटा है ना रिसीवर का, आप खुद से एक ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, खुद से डेटा जनरेट कर रहे हैं और वो रिसीवर के पास भेज रहे हैं। प्राइमरीली इसमें भी इंटेग्रिटी को अटैक किया जाता है। बट अगर क्या आप बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट कर पाएँ और किसी सर्विस पर उसको भेजें तो क्या वो सर्विस बाकी जेन्युइन लोगों के लिए अनअवेलेबल नहीं होगी? हो जाएगी। तो अवेलेबिलिटी भी इसमें अटैक होती है। तो फैब्रिकेशन वाले अटैक में इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी दोनों को टारगेट किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि
कुछ जो मेन शब्द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में यूज होते हैं उनके क्या मतलब हैं। तीन शब्द हैं, पहला थ्रेट, दूसरा वल्नरेबिलिटी और तीसरा है रिस्क। थ्रेट्स, थ्रेट्स का मतलब ऐसी चीज जिसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल टू कॉज हार्म। तो हार्म की इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, कौन से कंप्यूटर में है, कौन से सिस्टम में है, किस तरह के नेटवर्क पे है। बट थ्रेट्स आर दोज विच हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। दूसरा है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटीज आप समझें तो एक तरह की वीकनेसेस हुई जिनको यूज करके हमें हार्म किया जा सकता है। तो अगर मैं थ्रेट और वल्नरेबिलिटी को जोड़ दूं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करूं, तो सोचिए अगर आपके पास लकड़ी का घर है और पास में ही फायर है, तो फायर आपके लिए थ्रेट हुई, आपकी वल्नरेबिलिटी क्या है कि आपके पास लकड़ी का घर है। वहीं अगर आप आगे जाएं तीसरे शब्द पे, रिस्क, रिस्क वो है उस इवेंट का लाइकलीहुड है कि कुछ बुरा होगा। तो अगर वापस उस एग्जांपल पर जाएं जहां लकड़ी का घर है और सामने फायर है, तो फायर अगर लकड़ी के घर में लगेगी तो क्या होगा, घर जल जाएगा, ये आपका रिस्क है। ऐसे ही अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे इस एनालॉजी को लाएं, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें नोटिफाइड अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि इसको आप अब अपडेट कीजिए, ये वल्नरेबिलिटी है। अगर आप उसको अपडेट नहीं करते हैं तो वो एक थ्रेट है। और ये रिस्क जब बनेगा, जब कोई अटैकर उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए आपका पर्सनलाइज्ड डेटा स्टील कर लेगा। तो टू हैव अ रिस्क, वल्नरेबिलिटी और थ्रेट का होना ज़रूरी है। इन सब के साथ कुछ शब्द और जुड़े गए, इनमें चौथा शब्द है इम्पैक्ट। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो असेट थ्रेट के अंडर द थ्रेट है उसकी वैल्यू क्या है। सपोज आपका जो कंप्यूटर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पैच नहीं है और नोटिफाइड वल्नरेबिलिटी है, और अगर वो अटैक हो जाता है, तो ये देखिए कि क्या आपने उसमें अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर की थी, अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, अपनी आधार डिटेल्स, अपने इम्पॉर्टेंट रिसर्च पेपर, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टोर की थी, तो वहाँ जो वैल्यू है उस असेट की बढ़ जाती है। और अगर वो असेट अटैक होता है तो आपका वैल्यू लॉस, या ये कहें कि इम्पैक्ट, बढ़ जाता है और आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। बट वहीं अगर वो ऐसा कंप्यूटर है जिस पे अटैक होने के बाद कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इम्पैक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हमें देखना पड़ेगा कि एसेट की वैल्यू कितनी है जो थ्रेट के अंदर है। कई लोग इसको रिस्क एपेटाइट भी कहते हैं। अच्छा, इन सब के साथ अब हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसे कंट्रोल्स जो आप लगा सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, वो क्या हैं। तो सबसे पहला कंट्रोल है फिजिकल कंट्रोल। तो फिजिकल कंट्रोल से आप समझ जाएं कि ये फेंसेस से रिलेटेड है, गेट से रिलेटेड है, एक्सेस सिस्टम से रिलेटेड है, ये एसी से भी रिलेटेड है। एसी सिस्टम जहाँ पर आपका वेब सर्वर या डेटा बेस है उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। फायर सप्रेशन सिस्टम से रिलेटेड है। फिजिकल से मतलब आपने फिजिकली उसको कितना प्रोटेक्ट किया है। लॉजिकल अगर बात करें तो ज़्यादातर ये लॉजिकल कंट्रोल्स टेक्निकल होते हैं, जैसे कि किसी सर्वर का एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, मैनेजर के पास है, बट कॉमन यूज़र के पास नहीं है। इसमें फायरवॉल्स आ जाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट के लोग इतनी दी हुई वेबसाइट्स देख सकते हैं और कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, तो ये फायरवॉल हो गए। एक तरह का लॉजिकल कंट्रोल होता है पासवर्ड, कि आपकी पासवर्ड पॉलिसी क्या है। आप पासवर्ड जब यूज़र को बोलते हैं कि यूज़र आप अपना पासवर्ड सेट कीजिए, तो क्या आप उसे कुछ भी पासवर्ड रखने देते हैं, या उसे बोलते हैं कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए भाई, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स का, ये एक तरह की पासवर्ड पॉलिसी हुई। पासवर्ड पॉलिसी में एक एडिशन ये भी होता है कि आप यूज़र को कहते हैं कि भाई हर 90 दिन में आपको पासवर्ड चेंज करना है। ये लॉजिकल कंट्रोल्स हुए। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, या आपके एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स क्या हैं।
आपके लॉज क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं, सबको क्या सबको यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा, क्या सबको एड्रेस होगा, क्या सफाई करने वाले जो आपके यहाँ आते हैं उनको भी यूज़र नेम एक्सेस देना चाहिए, क्या जो आपका सीईओ है, टॉप मोस्ट बॉस है, क्या उसको भी वेब सर्वर का एड्रेस चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइंस है। तो जनरली इनको हम कहते हैं कि ये वो कंट्रोल हैं जो जिनका नेचर पेपर है, दे आर ऑन पेपर। आइए देखते हैं कि एक स्ट्रेटजी जो बहुत पॉपुलर है, बहुत एप्लीकेबल है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन में, उसे कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ। और डिफेंस इन डेप्थ कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि हमने डिफेंस इन डेप्थ कर लिया तो हम प्रोटेक्ट हो गए। मेरी मानिए तो डिफेंस इन डेप्थ करने के बाद भी हम या कोई भी पूरी तरह से ये नहीं कह सकता कि हम प्रोटेक्टेड हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टेड है। ये एक स्ट्रेटजी है, इसमें कई तरह की लेयर्स होती हैं, और डिफेंस इन डेप्थ हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होगा। एक एक ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है उसके लिए डिफेंस इन डेप्थ की स्ट्रेटजी अलग होगी, वहीं एक ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केटिंग में है उसके लिए डिफेंस इन डेप्थ की स्ट्रेटजी अलग होगी। जो आप चित्र देख रहे हैं वो एक तरह से लेयर्स हैं जिसमें कि डिफेंस इन डेप्थ का इंडिकेशन है। मैं आपको बताता हूँ कि हर लेयर पर मोर और लेस क्या कंट्रोल्स एप्लीकेबल होते हैं जिसकी वजह से हम डिफेंस इन डेप्थ अचीव कर सकते हैं। बट इसको ये नहीं माना जाएगा कि अगर हमने ये सब कर लिया तो हम प्रोटेक्टेड हैं। तो आइए देखें डेटा लेयर पर क्या हो सकता है। डेटा लेयर पर इंक्रिप्शन हो सकता है, हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं कि डेटा में पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवा सकते हैं। एप्लीकेशन लेवल पर या एप्लीकेशन लेयर पर हम कंटेंट की फिल्टरिंग कर सकते हैं, सब यूज़र्स को, सब सेक्शंस को सेम डेटा नहीं जाए, जिसको जितना चाहिए, जिसको जितने की ज़रूरत है उसको वही डेटा एक्सेस हो, वैलिडेशन हम कर सकते हैं। होस्ट लेयर पर हम एंटीवायरसेस लगा सकते हैं, फायरवॉल्स इनेबल कर सकते हैं, आईडीएस आईपीएस लगा सकते हैं। इंटरनल नेटवर्क जो लेयर हुई वहाँ पर हम आमतौर पर आईडीएस आईपीएस लगाते हैं, इंटरनल ऑडिट्स करवाते हैं टू री इन्फोर्स द नेटवर्क। और जो नेटवर्क पैरामीटर साइड है, जो नेटवर्क से बाहर की तरफ और अंदर की तरफ देखती है, वहाँ हम लॉगिंग पैरामीटर्स, लॉगिंग कंट्रोल्स लगा सकते हैं, पैकेट इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि बाहर से कौन सा पैकेट अंदर आया, स्टेटफुल या स्टेटलेस, डीप पैकेट इंस्पेक्शन कर सकते हैं। पैकेट से मेरा मतलब यहाँ जो डेटा फ्लो है, जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है, इन और आउट। अब जो एक्सटर्नल नेटवर्क है, बाहर का जो नेटवर्क है, वहाँ से आपको करना है तो वो वहाँ आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी आप पेन टेस्टिंग करा सकते हैं कि एक्सटर्नल नेटवर्क से पेन टेस्टिंग कराई जाए, लॉगिंग कर सकते हैं, ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट हुआ डिफेंस इन डेप्थ का, जो कि लेयर्ड अप्रोच है। आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि व्हाट आर दी पॉसिबल काइंड ऑफ अटैक्स, व्हाट इज डिफेंस इन डेप्थ, ये कैसे एक लेयर्ड अप्रोच हम अपना कर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम, एक कॉरपोरेट बॉडी को हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट, हम कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, बट हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी विद डिफेंस इन डेप्थ वी कैन अचीव, वी कैन कवर मोस्ट अटैक वेक्टर्स। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करेंगे।